अगर हम बड़े कैनवस के ऊपर काम करते हैं तो हमें कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ इस वीडियो में मैं वही शेयर करूँगी आप लोगों को। यहाँ देखिए कैनवस, स्ट्रेच कैनवस है ये, और ये बड़े कैनवस के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है ये बताने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहला टिप जो है वो है कि किसी भी मीडियम में काम करें हमें जैसो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसो हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग की शुरू करने से पहले हमें जैसो अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने का रीज़न ये है कि ये पेंटिंग को बहुत ही स्मूथ बनाता है। जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमारा पेंटिंग सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है इससे। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन पेंटिंग टिप्स जो हमको बड़े कैनवस को जब हम अगर यूज करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये टिप्स मेरे हैं और मैं खुद जब भी पेंटिंग के लिए काम करती हूँ तो मैं इन टिप्स का ध्यान रखती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्टिस्ट चैनल है, आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ मैं बात करती हूँ बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ। बनना चाहते हैं मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जैसो अप्लाई करना चाहिए, जैसो अप्लाई करने का रीज़न क्या है, पहला रीज़न जो कैनवस क्लॉथ होता है उसके अंदर छोटे छोटे आपको पोर्स मिलेंगे। ओके, तो वो पोर्स को पोर्स कई बार हिंड्रेंस करते हैं, कई बार रुकावट कर देते हैं। जब हम ब्रश चलाते हैं और जब हमने पेंट फिल किया तो कई बार हमको लगता है यार ये पोर्स हैं, दिख रहे हैं, अभी हमको सेकेंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेयर भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है। तो पहला रीज़न है जैसे अप्लाई करने का कि मुझे वो पोर्स दिखना बंद हो जाते हैं और एक स्मूथ सर्फेस मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसो अप्लाई कर लें बहुत ही आसान है, और ब्रश को इमीडिएट क्लीन कर लें जब आप जैसो अप्लाई करते हैं उस ब्रश से। जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बहुत बड़े नंबर का ब्रश हो या बहुत छोटे नंबर का ब्रश हो, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो पैलेट नाइफ से या हाथ से भी जैसो को अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह से बिल्कुल जब आपका जैसो एकदम ड्राई हो जाए तब हम इसके ऊपर पेंट अप्लाई करेंगे। अब अगर हम ऑयल पेंट करते हैं या फिर हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बेस लेयर अप्लाई करती हूँ पेंट की। ठीक है, नॉर्मली वो बेस लेयर बर्न से आना होती है और उसके अंदर अगर ऑयल पेंट मैं यूज़ करती हूँ तो साथ में मैं मिला लेती हूँ ऑयल मीडियम थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर। मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक सीन बनाना है तो उस वाटर की वजह से मुझे यहाँ पर ब्लू कलर बेस में चाहिए। उसके अलावा जो है ध्यान में रखना है वो है कि इस तरह से मिस्टिंग के लिए हमको स्प्रे बॉटल्स ज़रूर रखनी चाहिए जब हम एक्रेलिक पेंट्स कर रहे हैं, तो क्योंकि इस तरह से हम जब मिस्टिंग के लिए स्प्रे बॉटल्स रखते हैं तो हमको सरफेस को वेट करने के लिए इतना बड़ा ब्रश तो नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्टिंग के लिए ये जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं ये बहुत ही अच्छी रहती हैं कैनवस के ऊपर। जब हम पेंट अप्लाई करते हैं तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं, सरफेस को वेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं अपना जो बेस लेयर है पेंट का वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। थिन लेयर होता है ये, बहुत ही पतला लेयर होता है, और इसका भी कारण यही है कि पीछे से जो रिफ्लेक्ट करता है वाइट बैकग्राउंड वो दिखना बंद हो जाए और हम आसानी से हमारी पेंटिंग आगे बनाते चले जाएँ। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा रही हूँ ये एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड दिखा रही हूँ, लेकिन सेम टिप्स आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली ऑयल पेंटिंग के लिए भी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम बड़े कैनवस के ऊपर कैसे काम करें। ठीक है, तो उसके अलावा जब हम बड़े कैनवस के ऊपर काम करते हैं तो हमको इजेल चाहिए होता है। इजेल क्या होता है? इजेल पेंटिंग स्टैंड होता है, जैसा कि मैंने लगा रखा है अपना कैनवस उसी के ऊपर स्टैंड कर रखा है। तो इस तरह से हमको इजेल चाहिए होता है जब हम बड़े कैनवस के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं जब पेंट अप्लाई कर रही हूँ तो बीच बीच में मैं स्प्रे भी कर रही हूँ, अपनी स्प्रे बॉटल से मिस्टिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं तो, और बड़े बैकग्राउंड्स को आपको कवर करना है, सपोज आपको लैंडस्केप बनाना है कोई, या आपको कोई स्काई देना है या ग्रीन लैंड देना है, इसमें भी ये टिप्स बहुत ही इफेक्टिव होता है कि आप मिस्टिंग करते जाएं तो आपका पेंट जो है वो ड्राई नहीं होगा, एक्रेलिक पेंट, और आप इजीली वो चीज़ें सारी कर सकेंगे। पेंटिंग हरदम जो भी हम पेंटिंग करते हैं, चाहे हम एक्रेलिक करें चाहे हम ऑयल पेंटिंग करें कैनवस के ऊपर,
हमको पेंटिंग को हरदम लेयर्स में करना चाहिए। जब भी हम लेयर्स में करते हैं पेंटिंग को, तो उसकी वजह से हमारी पेंटिंग में बहुत ही अच्छी डेप्थ निकल के आती है। इस तरह से बड़े ब्रशेस भी यूज़ किए जा सकते हैं जब हम इस तरह से बैकग्राउंड देते हैं तो, और साथ ही में जैसो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश है, ये बहुत ही अमेजिंग ब्रश है, और ये ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट दोनों में ही बहुत अच्छा काम आता है। उस तरह से ये वाले छोटे ब्रशेस हैं, ये भी ब्लेंडिंग के लिए ही यूज़ आते हैं, इन्हें मॉप ब्रश कहते हैं, और ये बहुत ही आसानी से हम हमारे सरफेस को ब्लेंड करते हैं। तो ये कुछ ब्रशेस हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं अगर हमको हमारे सरफेस को ब्लेंड करना है तो जब भी हमको हमारे सरफेस को ब्लेंड करना है तो हम ये वाले ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमें बड़े सरफेस के अंदर हमारे पेंट्स को ब्लेंड करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े कैनवसेस पे काम करने के लिए, तो वही उसके लिए ये हमको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद जब भी हम यहाँ देखिए, ये मेरा बैकग्राउंड सूख कर तैयार हो गया है एकदम, और यहाँ पर मैं कुछ पेंटिंग करने वाली हूँ, तो मैंने वो ड्रॉ भी किया है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है। ग्रेफाइट पेंसिल या तो आप डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ पेंट करिए, है ना, ड्रॉ करिए, या फिर ये इस तरह से देखिए ये पेंसिल आती है, ये वाइट चारकोल पेंसिल है, तो ये यूज़ करती हूँ मैं जब मुझे मेरे जो कैनवसेस है उसके ऊपर मुझे ड्रॉ करना होता है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, और ग्रेफाइट पेंसिल इसलिए यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है, रगड़ रगड़ के चलती है वो कैनवस के ऊपर, और फिर अगर कोई मिस्टेक हो गई सपोज, तो हम उस मिस्टेक को मिटाएंगे अगर, तो वो हमारे कैनवस को गंदा कर देगी, डर्टी कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ होता है, और इरेज करना भी बहुत आसान नहीं होता है ग्रेफाइट पेंसिल को, हैंडी नहीं होती है वो, तो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कुछ टिप्स, जो अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और अगर आप ऑयल पेंट्स करते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल।